मौज करो, घुमा करो हिसाब से। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से। दोस्तों अगर आप ज्यादा घूमेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए घुमा करिए हिसाब से। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी प्लॉट का एरिया स्क्वायर फिट में आप कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों इसको निकालना हम आपको बिल्कुल इजीली बताएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्यन ग्लोरी में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाएगा जिससे मेरे हर नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक प्लॉट है और इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो है 25 फीट 3 इंच और दोस्तों इस प्लॉट की जो ब्रेथ है मीन्स जो चौड़ाई है वो है 15 फीट 6 इंच। दोस्तों अब देखिए अगर मान लीजिए हमको इस प्लॉट का एरिया निकालना हो तो दोस्तों एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। दोस्तों ये होता है हमारा एरिया को निकालने का फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मींस कि लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों अब जो हमारी लेंथ है मींस लंबाई है वो कितनी है? 25 फीट 3 इंच। तो यहां पर लिख देंगे 25 फीट 3 इंच मल्टीप्लाई और दोस्तों ब्रेथ कितनी है? 15 फीट 6 इंच। तो दोस्तों यहां लिख देंगे 15 फीट 6 इंच। दोस्तों अब देखिए हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों यूनिट बराबर होनी चाहिए, मींस दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारा फिट में है लेकिन ये इंच में है, तो या तो हम इंच को फिट में कन्वर्ट करें या तो फिट को इंच में कन्वर्ट करें। इन दोनों में से दोस्तों हमको कोई एक करना पड़ेगा तभी हमारी दोनों यूनिट सेम होगी। तो दोस्तों देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए इसको इस तरह लिखते हैं 25.3 × 15.6। तो दोस्तों अगर वो इस तरह से लिखते हैं तो उनका ये बिल्कुल रॉन्ग होता है। दोस्तों क्यों रॉन्ग होता है? इसलिए रॉन्ग होता है कि हमारा एक फिट बराबर 12 इंच होता है। दोस्तों अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब कि एक फिट बराबर 10 इंच। तो दोस्तों 10 इंच नहीं बल्कि 12 इंच होता है। तो दोस्तों अब 12 इंच होता है तो दोस्तों आइए हम इंच को फिट में चेंज करते हैं। तो 3 भी इंच और 6 भी इंच है तो 3 में और 6 में हम 12 से डिवाइड कर देते हैं और जितना आता है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल यूनिट सेम हो जाती है। जब सेम हो जाती है तो उसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम इन दोनों में 12 का डिवाइड करते हैं। तो देखिए दोस्तों 3/12 हो जाएगा और यहाँ 6/12 हो जाएगा। दोस्तों अब अगर हम 12 को 3 में डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा? देखिए दोस्तों 12 का 3 में डिवाइड तो होगा नहीं इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा तो 30 हो गया। तो देखिए 12 × 2 = 24 तो दोस्तों नीचे 6 बचेगा। अब तो हमने पॉइंट लगाया ही है तो हमारा ऑलरेडी एक 0 बढ़ जाएगा तो 60 हो गया, 6 बचा था तो 60 हो गया। तो देखिए 12 × 5 = कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। तो यहाँ पर आ गया 0.5। अब दोस्तों हमने इंच को फिट में कन्वर्ट किया है तो हमारा फिट जो है उसको तो वही लिखेंगे 25, बस पॉइंट हम 25 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट 25 आया है तो हम यहाँ 25.25 लिख देंगे। अब हमने आपको क्या बताया कि जब हमारी यूनिट सेम हो जाएगी तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों अब मल्टीप्लाई उसके बाद हम 12 का डिवाइड 6 पे करते हैं तो देखिए होगा नहीं तो इसलिए हम इसी की तरह पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ेगा तो 12 × 5 = 60। दोस्तों हमारा एक ही बार में चला गया तो यहाँ 0.5 तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों 15.5। और दोस्तों देखिए इसका हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये दोनों हमारा एकदम यूनिट हमारी बिल्कुल सेम हो गई। तो दोस्तों अब आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जितना आएगा वही हमारे इस प्लॉट की एरिया निकलेगी। तो देखिए दोस्तों पहले हम 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए 5 × 5 = 25 आएगा तो हम यहाँ लिख लेंगे 5। अब दोस्तों कैरी बचेगा 2, फिर 5 × 2 = 10, 2 कैरी बचा 5 × 2 = 10, 2 कैरी 12 तो 2 लिख देंगे। अब कैरी 1, अब दोस्तों देखिए
5 5 25 और कैरी वन 26 तो हम लिख देंगे 6 और फिर से कैरी 1 2 तो देखिए 5 2 10 और कैरी 2 हो जाएगा 12 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब दोस्तों हमारे पूरा हो चुका है इसलिए हम 12 पूरा का पूरा लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए हमारा फर्स्ट डिजिट का तो हो गया तो हम इसके नीचे क्रॉस का साइन बना देंगे। अब हम सेकंड डिजिट का करेंगे मीन्स 15 का ये कर लेते हैं तो 15 5 जो कितना जाएगा 15 5 जो 75 तो हम लिख देंगे 5 और कैरी हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 फिर से 15 2 जा 30 और कैरी 7 37 7 लिख देंगे फिर से दोस्तों कैरी 1 3 अब 15 5 जा 75 और 75 और 3 कितना हो जाएगा 78 तो 78 को हम 8 लिखेंगे फिर से कैरी 7 क्या वो कैरी 7 फिर 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 और कैरी 7 37 तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे 37। अब क्या करेंगे कि इसको प्लस कर देंगे तो देखिए यहाँ आएगा 5 अब यहाँ जाएगा हमारे 7 यहाँ दोस्तों आ जाएगा 13 तो दोस्तों 13 को हम लिखेंगे 3 अब कैरी 1 अब दोस्तों देखिए 8 प्लस 2 10 कैरी 1 11 तो मैं लिख देंगे 1 फिर से कैरी 1 तो 7 प्लस 1 8 कैरी 1 9 अब दोस्तों 3 है तो हम 3 लिख देंगे। दोस्तों अब देखिए अभी हमारे यहाँ से नहीं हुआ है क्योंकि 7 पे हमारे यहाँ पर पॉइंट पे लगा हुआ है तो इसको हम काउंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट पर पॉइंट है यहाँ 1 डिजिट पर पॉइंट है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 तो हम यहाँ पर अपने आंसर में राइट साइड से 3 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा दिया तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर मीन्स दोस्तों हमारे प्लॉट की जो एरिया होगी यहाँ पर हमारे निकल के आ जाएगा 391.375 स्क्वायर फीट। दोस्तों यही हमारी प्लॉट की एरिया होगी मतलब जो प्लॉट है उसका एरिया होगा। तो अब प्लॉट का ये जो प्लॉट है इसका स्क्वायर फीट तो निकल गया। अब मान लीजिए अगर कोई पूछे कि इस प्लॉट का वर्गज कितना होगा तब दोस्तों वर्गज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बस इसी नंबर में हम 9 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों 9 से डिवाइड करने पर जितना भी आएगा दोस्तों वही हमारा इस प्लॉट का वर्गज होगा। तो दोस्तों आइए हम इस नंबर में 9 से डिवाइड करते हैं तो नंबर कितना है दोस्तों नंबर है 391.375। दोस्तों इस पे हम डिवाइड कर देंगे 9 से तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा जाएगा 4 बार 9 4 36 36 हो जाएगा। अब 9 6 में हम कितना दोस्तों 3 1 को डालेंगे तो 1 हो जाएगा 31 अब कितने बार जाएगा 3 बार 9 3 27 फिर दोस्तों 11 हो जाएगा तो 11 7 माइनस करेंगे तो 4। अब दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे पहले पॉइंट है तो जब पॉइंट है दोस्तों तो 3 को उतारने से पहले हम यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे। दोस्तों बिना पॉइंट लगाए हम 3 को नहीं उतार सकते उतारेंगे तो गलत हो जाएगा तो देखिए दोस्तों पॉइंट लगा दिया अपने आंसर में तब हम 3 को उतार सकते हैं तो ये हो जाएगा 43। कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 बार जाएगा 486 चलिए अब दोस्तों कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा तो देखिए 9 4 जो 36 तो 30 हो जाएगा 30 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों हमारा जाएगा 7 फिर से हम 7 को उतारेंगे तो 76 अब कितने हो जाएगा 8 बार 9 8 जा 72 अब दोस्तों हम 5 को उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 54 अब दोस्तों ये हमारा जाएगा 6 बार 9 6 जा कितना हो जाएगा 54 दोस्तों यहाँ आ जाएगा हम 54। अब दोस्तों माइनस का यहाँ पर ही बचेगा तो दोस्तों अब हमारे यहाँ 1 बच गया तो अगर हम आगे लिखेंगे तो हमारा इसी तरह से बार बार 1 बचता रहेगा तो दोस्तों तुम यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे बस हमारा दोस्तों यही आंसर हो जाएगा 43.4861 वर्गज। दोस्तों यही हमारा इस प्लॉट का वर्गज होगा। दोस्तों अगर वर्गज पूछे
तो आंसर ये, और अगर स्क्वायर फीट पूछे तो आंसर ये। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन जो दबाएगा जिससे मेरा नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की मदद से जय हिंद जय भारत।